वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑल बोर्ड. दिस इज आदित्य एंड वेलकम टू 2024. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ जनवरी का करंट अफेयर्स डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई विश दैट दिस ईयर ऑल योर ड्रीम्स मे बिकम ट्रू. और जो भी आपके एग्जामिनेशन टारगेट हो कि हाँ भाई ये वाला एग्जाम क्लियर करना है एंड आई वॉन्ट दिस पोजिशन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू विल बी एबल टू अचीव इन दिस ईयर 2024. सो ऑल द वेरी बेस्ट. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कुछ मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ में. आज मॉर्निंग मोटिवेशन में मैंने कोई थॉट्स रखने की जगह पर कुछ स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं. वेरी फ्यू एक्चुअली. आई वाज अनएबल टू टेक ऑल द स्क्रीनशॉट्स, सो सॉरी फ्रॉम माय साइड. जिन बच्चों ने भेजे मुझे मैसेजेस और मैं उनके नहीं ले पाया आज स्क्रीनशॉट्स, सो सॉरी फ्रॉम माय साइड. बट यू ऑल ऑफ यू नो दैट माय विशेस आर ऑलवेज देयर विथ यू. दोज हु गॉट सिलेक्टेड एंड दोज हु हैव नॉट गॉट सिलेक्टेड, उनके लिए भी मैं एक सेशन प्लान कर रहा हूँ बात करने के लिए. That what we should do next, क्या हमको next करना चाहिए. RRB PO या clerk में अगर नहीं हुआ है तो अब हमारा next approach क्या होना चाहिए. तो उनके लिए भी एक अलग से session रहेगा. Very soon I am planning to do a session with the people, those who have unable to clear the final or merit list for RRB. ठीक है, पहले जिनका हो गया है so congratulation, congratulation. अमन, पूनम, सचिन, अरुणिता, अभिनव, मुस्कान, कनक, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. आर्यन दीप, अग्निहोत्री जी कॉन्ग्रेचुलेशन, अमन तिवारी जी, पल्लवी, शिखा, रेकित, सोनम, पूजा कॉन्ग्रेचुलेशन, आयुष, एस एम, अरजीत, काकाशी, तिसाया कॉन्ग्रेचुलेशन. तो आप सबको बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर फैमिली मेंबर्स एज वेल. सचिन, पूनम, नीलेश जी, दिव्या, प्रिया, कि यू गाइज मेड योर ड्रीम्स ट्रू एंड नाउ इट इज द टर्न फॉर अदर कैंडिडेट, दोज हु हैव नॉट मेड द नेम इन द फाइनल लिस्ट येट बट दे वॉन्ट टू डू इट. गाइज प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. अगर आप सुनोगे जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं, मैं नहीं बोलता उनको कि आप जीए के बारे में बात करो, बट आप एक चीज कॉमन पाओगे, दे वर लैगिंग इन जीए, दैट इज व्हाई दे वर अनेबल टू क्लियर लास्ट ईयर. इस साल उन्होंने जनरल अवेयरनेस पर काफी टाइम दिया, दे प्रिपेयर्ड वेल एंड फाइनली दे गॉट अ गुड पुश फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस. क्योंकि अगर आप कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर चले जाते हैं ना मेन्स में तो काफी अच्छा होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प इन इंटरव्यू. अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां इंटरव्यू में काफी हेल्प कर देता है जनरल अवेयरनेस. सो जीए पर अच्छे से फोकस रखिए. Definitely you guys will be able to do one of the best in this year. चलिए, so banking and financial news से start कर रहे हैं अभी session को. Let's start. News number one है आपका related to NPCI, National Payment Corporation of India launches ASBA type of facility in the secondary market. समझते हैं इसको. ASBA का meaning होता है application supported by block demand. What does it means? I am applying for a IPO or I want to buy a equity. When I am buying for a equity and that particular equity on a particular price, मैं bid कर रहा हूं on a particular equity at a particular price. If that equity price came down to that particular price, then only I'll be able to get it. मुझे उसी condition में मिल रही है वो equity जब मैंने जो bid price रखा है उस तक आए. Previously, this facility was not available in UPI. Now NPCI came with the similar facility of ASBA in UPI also for the secondary market. Till now it was applicable only in the primary market. So primary market mein to ye available tha. In case of IPO it was available. Initial public offering mein ye available tha. Even the limit was 5 lakh rupee. Hum logon ne pehle bhi padha hua hai. The limit of UPI in case of IPO is 5 lakh. Up to 5 lakh rupee. न्यू आईपीओस वी कुड अप्लाई. आईपीओ मीन्स न्यू ओनली. तो आईपीओ हम अप्लाई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था. 5 लाख रुपए तक का आईपीओ मीन्स अ न्यू कंपनी गेटिंग रजिस्टर्ड एंड कमिंग फॉर देयर इक्विटी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर लॉट्स ऑफ पीपल दोज हु आर ट्राइंग टू गेट दैट इक्विटी. सो देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी. यू आर अप्लाइंग फॉर इट, आइदर यू आर गोइंग टू गेट इट और यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. सो फंड फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट विल नॉट बी डिडक्टेड अंटिल अनलेस द इक्विटी विल नॉट बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. समझना बात को, आपके अकाउंट से वो पैसा तब तक नहीं कटेगा जब तक इक्विटी क्रेडिट ना हो जाए डीमैट में, उसके बाद ही फंड आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है. इसी फैसिलिटी को कहा जाता है एएसबीए. क्या न्यूज है
एएसबीए पहले से एप्लीकेबल था आईपीओ में, या फिर हम कहें तो प्राइमरी मार्केट में ही एप्लीकेबल था, इट वॉज अवेलेबल इन प्राइमरी मार्केट. नाउ एएसबीए टाइप ऑफ फैसिलिटी बाय एनपीसीआई विल बी अवेलेबल इन द सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग क्या हुआ? ऑलरेडी रजिस्टर्ड इक्विटी है. फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 112 रुपीज, ठीक है, 1112 रुपीज फॉर एग्जाम्पल. नाउ आई एम थिंकिंग दैट इट विल कम डाउन टू 1110, तो 12 की जगह मैं 10 पर बिड कर रहा हूं कि भाई 2 रुपए सस्ता मिल जाए मुझे, एंड आई एम अप्लाइंग फॉर इट. इफ इट इज क्रेडिटेड टू माई अकाउंट, इफ द इक्विटी प्राइस कम डाउन एंड क्रेडिटेड टू माई अकाउंट, देन ओनली द मनी विल बी डेबिटेड. तो ये फैसिलिटी आपकी यहां पर अप्लाई हो रही है सेकेंडरी मार्केट में. इज माई पॉइंट क्लियर? वॉट इज द डेट? द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज 1st of January 2024. तो January 1st, 2024 से ये अप्लाई हुआ है. T+1 बेसिस पर इसमें आपके अलॉटमेंट होंगे, मतलब यू विल गेट द इंफॉर्मेशन दैट यू गॉट दिस इक्विटी, बट दैट इक्विटी विल क्रेडिटेड टू योर अकाउंट T+1 डे. नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी एंड आफ्टर दैट द अमाउंट विल बी डिडक्टेड. हाँ भाई, न्यूज क्लियर हो गया? ये वाला पहला न्यूज था हमारा. एक लाइन में अगर मैं न्यूज बोलना चाहूं तो क्या होगा? एनपीसीआई इंप्लीमेंटेड यूपीआई फैसिलिटी एज पर एएसबीए नॉर्म इन द सेकेंडरी मार्केट विद द प्राइमरी मार्केट. एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, वॉट विल बी द लिमिट ऑफ यूपीआई फॉर अप्लाइंग इन सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट में यूपीआई का लिमिट कितना होगा? आंसर बताइए. प्राइमरी मार्केट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सेकेंडरी मार्केट का लिमिट बताइए. सेकेंड न्यूज पर आ रहा हूं, न्यूज नंबर 2 है आज का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कैटेगरी से. हाँ भाई, फर्स्ट न्यूज क्लियर रहा होगा आई थिंक आप सबको. सेकेंड न्यूज की तरफ आ रहा हूं, न्यूज नंबर 2 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कैटेगरी फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर. गुड मॉर्निंग अमित जी, वेरी गुड मॉर्निंग. स्लाइट डिक्लाइन इन द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फीमेल पॉलिसी होल्डर प्रपोर्शन IRDAI रिपोर्ट 2022-23. आप सबने सुना होगा, जो लोग भी इंश्योरेंस सेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं और दोज हु हैव गिवन द इंटरव्यू ऑफ NISCL रिसेंटली और दोज हु हैव प्लानिंग टू अप्लाई फॉर NISCL नाउ. NISCL का नोटिफिकेशन अभी आपका आया है NISCL का, तो उसके लिए भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको एक आइडिया होगा कि IRDAI अनाउंस्ड विजन 2027, विजन 2047. इन्होंने अनाउंस किया विजन 2047, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047. ये अनाउंस किया है. इवन आफ्टर अनाउंसिंग दिस विजन द इंश्योरेंस सेक्टर पेनिट्रेशन इज नॉट वेल एज इट वॉज एक्सपेक्टेड और इट वॉज प्रोजेक्टेड. जितना सोचा गया था कि अच्छा होगा उतना अच्छा नहीं रहा इंश्योरेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस इन द लास्ट ईयर. So despite the goal of insurance for all by the year 2047, life insurance penetration marginally dropped to 3% from 3.2%. So life insurance जो है, इसका penetration rate 3.2 से नीचे आके 3% हो गया है. मतलब कि decrement हुआ है compared to before, लोगों ने जो growth है कमी देखने के लिए मिला है. Overall insurance penetration reduced to 4% from 4.2%. कम हुआ है भाई overall भी. Indicating the development slowdown in the sector, in the insurance sector. Non-life insurance was remained stagnant at 1%. So non-life insurance आपका 1% पर था, 1% पर ही रहा है, कोई growth नहीं देखने के लिए मिली. नीचे तो नहीं आया but कोई growth देखने के लिए नहीं मिली. So not a good news for the insurance industry. But for the interview candidate, they will be able to say that, sir, there is a huge scope in the insurance industry for the growth purpose. That is why we want to come to the insurance sector. If we'll see banking industry, penetration rate is around 60%. 60% का है अभी हमारे banking industry में penetration. While in the insurance sector, it is just 4%. So, huge chances of growth are there in the insurance sector. इस तरीके से आप answer create कर सकते हो. पूछते हैं ना आपसे, why insurance, why not banking? कुछ जो बैंकिंग सेक्टर में वर्किंग है व्हेन दे आर गोइंग फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंटरव्यू, उनसे पूछा जाता है व्हाई यू वांट टू लीव द बैंकिंग इंडस्ट्री, व्हाई यू वांट टू कम टू द इंश्योरेंस, राइट? तो उन लोगों के अच्छे आंसर हो जाते हैं ये वाले. पॉइंट क्लियर है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आंसर फिर से देख लीजिएगा. क्वेश्चन ये था, द लिमिट ऑफ यूपीआई एज पर द ASBA नॉर्म एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इन द सेकेंडरी मार्केट.
सेकेंडरी मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट का सेकेंडरी वर्जन टू सेल द इक्विटीज. सो हियर द लिमिट इज 5 लाख रुपीज, सेम एज आईपीओ लिमिट. ठीक है, यूपीआई का लिमिट आईपीओ में कितना है? यूपीआई लिमिट इन आईपीओ, इन दैट केस ऑल्सो इट इज हाउ मच? 5 लाख रुपीज. और सेकेंडरी मार्केट में भी लिमिट कितना है? 5 लाख रुपीज. पॉइंट क्लियर है? सौरभ ने बस ट्राई किया, बाकी लोगों के तो आंसर नहीं आए थे. चलिए अगले न्यूज पर मूव कर रहा हूं. न्यूज नंबर 3 है आपका, थर्ड नंबर का. काउंट करते हुए चलिएगा न्यूज कितने हो गए. थर्ड नंबर का न्यूज है, 14.9 लाख करोड़ रुपीज वॉज द जीएसटी कलेक्शन फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2023 पीरियड. तो आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट 8 मंथ्स के अराउंड जो आपका ड्यूरेशन था अप्रैल से दिसंबर का, इसमें आपका जीएसटी कलेक्शन रहा है कितने का? 14.97 लाख करोड़, पूरा कोलोबरेटिव अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, विच इज इंडिकेटिंग द ग्रोथ ऑफ 12% ईयर ऑन ईयर, रीचिंग 4.97 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 13.40 लाख करोड़ लास्ट ईयर सेम ड्यूरेशन. तो पिछले साल का 13.40 लाख करोड़ था, इस बार 14.97 लाख करोड़ है. 12% का ग्रोथ यहां पर देखा गया है. व्हाइल द जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, ये वाला डेटा भी इंपॉर्टेंट है, इट वॉज 1.67 लाख करोड़ रुपी, 1.67 लाख करोड़, विच इज इंडिकेटिंग द ग्रोथ ऑफ 10% कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर दिसंबर 2022 व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद 23. सो इन 23 देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 10%, 1.65 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन. वेयर आईजीएसटी इज ऑलवेज हाइएस्ट, 84 करोड़ रुपी वॉज द आईजीएसटी. ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन वॉज 1.65 लाख करोड़, दैट इज एग्जैक्टली अमाउंट 1.164882 करोड़ रुपी. सो दैट वॉज द जीएसटी कलेक्शन ऑफ दिसंबर. अब एक बार यहां पर आप देखो तो जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक का मैंने पूरे ईयर का डेटा आपको दे दिया, पूरे ईयर का, कंप्लीट 1 ईयर का, 12 मंथ्स का डेटा है आपके पास जीएसटी का. ठीक है, अरे जेपी भाई वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज सुबह सुबह कैसे, हैप्पी न्यू ईयर टू यू. कैसा चल रहा है जॉब वगैरह? कल मैसेज देखा मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप में, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग टू द न्यू रिक्रूट. सो गाइस, जेपी इज वर्किंग एज आरआरबीपीओ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर्स आई थिंक कंप्लीटेड नाउ. अभी तो ब्रांच मैनेजर की पोजीशन पर है, और यू गाइस कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ हिम ओवर द टेलीग्राम ग्रुप इफ यू वॉन्ट सर्टेन टाइप ऑफ गाइडेंस इन द ज्वाइनिंग ऑफ, इफ यू गॉट सिलेक्टेड इन मध्य प्रदेश फॉर आरआरबी, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इफ यू नीड एनी सपोर्ट इन द ज्वाइनिंग एंड ऑल, और एनी अदर सपोर्ट सिस्टम इफ यू नीड. ओके, यस जेपी सर इज योर सीनियर नाउ सचिन, सचिन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड. चलो बढ़िया, अच्छा लगता है कि मेरे अंडर में ये कम्युनिटी बिल्ड हो रही है बैंकर्स की, तो आई रियली फील वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग द कनेक्शंस एंड मैसेजेस बिटवीन द स्टूडेंट्स. बहुत बढ़िया, चलो ठीक है जेपी भाई. ठीक है, न्यूज पर आता हूं मैं वापस. जीएसटी कलेक्शन 1 ईयर का डेटा है आपके पास पूरा का पूरा, जैन से लेकर दिसंबर तक का, नो नीड टू कवर इट. यू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल मंथ इज इंपॉर्टेंट, सो इसको कवर करके रखना. द रीजन बीइंग इट इज द हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्टेड, राइट. इसके बाद आपके पास एक और इंपॉर्टेंट था, दैट वॉज ऑक्टोबर मंथ, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टेड, दैट इज 1.72 लाख करोड़. सो हाईएस्ट वन इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट यू कैन कवर फ्रॉम ऑगस्ट, सेप्टेंबर, ऑक्टोबर, नवंबर, दिसंबर. And this is the data April to December, which is separately announced by the government of India. So you may get the question, क्योंकि current affairs में April से December का GST collection कितना रहा? So 14.97 lakh crore was the GST collection April to December का. Point clear? हाँ भाई, सारे लोग जाग रहे हैं. अगले point पर आइए, LIC related news है. Life insurance company trim stake in BHEL, Bharat Heavy Electrical Limited, to 9.6%. रिसेंटली फ्रॉम 11.7%. सो 11.7% से LIC ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज करके कितना कर दिया है? डिक्रीज करके कर दिया है 9.6% का. LIC का शेयर होल्डिंग किसमें? BHEL में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. BHEL इज अ महारत्ना कंपनी, तो महारत्ना कंपनी है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है LIC का इसमें भी. कम नहीं होता है मतलब 11% का इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल LIC इज ब्रिंगिंग डाउन इट टू 9.6%. सिंपल सा न्यूज है.
SBFC Life recently collaborated with a cooperative bank. This is called NKGSB Cooperative Bank. The bank which is located in Mumbai. So NKGSB Cooperative Bank is the Mumbai-based multi-state cooperative bank. Has been a front for adding value in establishing the correspondent relationship. That is correspondent banking वगैरह provide करने में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं. सुनील पानसे इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ दिस बैंक. तो एक कोऑपरेटिव बैंक है मुंबई बेस्ड. इस बैंक ने भी रिसेंटली कोलैबोरेशन किया एचडीएफसी लाइफ के साथ टू एंटर इनटू द बैंक एश्योरेंस पैक्ट कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप अ टाइप ऑफ बैंक एश्योरेंस पैक्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन. सो एचडीएफसी लाइफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विल बी अवेलेबल विद द सपोर्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक इन द रूरल एरियाज और वेयर एवर द बैंक हैव रीच. So this bank located in Mumbai, Mumbai, Maharashtra is the headquarter of the bank. Bank collaborated with HDFC Life for the purpose of bank assurance pack. Number of news count कर लें क्या एक बार भाई? JP भाई CC लिख रहा है आज. सही है. So fourth, ये था आपका GST वाला fourth number का news. Third था ये fourth number का news था. ठीक. ये हो गया आपका fifth LIC, sixth HDFC. सेवंथ नंबर का न्यूज है आपका रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक. रिवीजन पॉइंट कल देखेंगे, आज मैंने नहीं रखे हुए बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूज जो थे वो ज्यादा थे. द रीजन बीइंग 1 जनवरी का भी करंट अफेयर्स कवर करना था. पीएनजी आरबी वर्ल्ड बैंक स्टडिंग द पाथवे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन वाया गैस पाइपलाइन. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया collaborated with World Bank recently, initiated a study for the purpose of moving a transmission in the hydrogen natural gas pipeline for both hydrogen blended with the compressed natural gas. Simple कर लें news को. News बोल रहा है कि Petroleum Natural Gas Regulatory Board जो है which is the board under government of India. It is an organization under government of India founded according to the act of 2006. Ye important ho gaya. Kis act mein bana hai aapka ye organization? Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. Ye organization bana hai according to the act of 2006. Kya objective hai? To protect the interest of consumer and entities engaged in the specific activities related to petroleum and petroleum product. And natural gas product and to promote the competitive market. Keep proper competition bana rahe aur sabke rights jo hain wo protected rahe. Dr. Anil Kumar Jain is the current chairperson of this board. Board work under the Ministry of Petroleum. Ministry of Petroleum ke under mein kaam karta hai. Ek tarike ka regulatory authority hai in the petroleum industry. I hope the meaning is clear. कि क्या मीनिंग है ये आपके पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का. अभी वापस न्यूज पर आओ. दिस बोर्ड रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद वर्ल्ड बैंक. क्या रीजन है? वर्ल्ड बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया है दैट हाउ टू डू द हाइड्रोजन ब्लेंडिंग और हाउ टू मूव टुवर्ड द हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ. द रीजन इज टू फ्रेमिंग द रोड मैप माइलस्टोन बाय द ईयर 2040 बाय क्रिएटिंग द प्रॉपर पॉलिसीज ऑफ हाइड्रोजन ब्लेंडिंग बाय मेकिंग द प्रॉपर पॉलिसीज ऑफ मूविंग फ्रॉम द क्रूड ऑयल टू द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. सो नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे मूव करने के लिए अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का कोलैबोरेशन हुआ है. किसके साथ में? वर्ल्ड बैंक के साथ में. ये था आपका 8 नंबर का न्यूज. वर्ल्ड बैंक रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो हैं आपके मैं कल रिवाइज करवाऊंगा एक बार फिर से. मैंने बताया कल मैं रिवीजन करवाऊंगा सारे के सारे. चलो पॉइंट क्लियर है यहां तक के? यस. नेक्स्ट न्यूज पर आओ फिर. यूनाइटेड अरब एमीरेट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ चैनलाइजिंग its long promised 2 billion investment into the food park India starting from Gujarat. तो गुजरात से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. 2 billion का इन्वेस्टमेंट है फूड पार्क में, इंडस्ट्री में इंडिया में. UAE का अनाउंसमेंट है. सो UAE initiated द लॉन्ग प्रोमिस्ड 2 billion इन्वेस्टमेंट इन टू द फूड पार्क इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात आफ्टर द टू कंट्रीज शॉर्टेड द कंसर्न कर्ब्स इम्पोज बाय द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट.
तो दोनों के बीच में जो भी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया है इन्होंने। इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर, दैट रिसेंटली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वॉज इन न्यूज, सो वॉट इज द रिसेंट अपडेट अबाउट इट, तो मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। बट कीप इन माइंड कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में क्या अपडेट है। द इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग मेड अपार्ट फ्रॉम फोर नेशन I2U2, दैट इज इजराइल इंडिया UAE USA इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क। तो UAE का इन्वेस्टमेंट आया है 2 बिलियन का इंडिया में, और स्टार्ट किया इन्होंने कहां से, गुजरात से। बहुत सिंपल सा न्यूज बनेगा, UAE मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 बिलियन इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात। ऑलरेडी 9 न्यूज हमने कवर कर लिया, दिस इज द न्यूज नंबर 10, 10वें नंबर का न्यूज है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द रिटर्न एज वेल एज इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि न्यूज आर रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। तो अ न्यू फाइनेंस कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? तो फाइनेंस कमीशन इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन इज डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो टैक्सेस के डिवीजन होते हैं, कलेक्शन के, इम्पोज करने के, उन सब का रिकमेंडेशन देने का काम करता है आपका फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल किस में डिफाइन है? 280 में डिफाइन है। आई होप द स्टेटमेंट्स आर क्लियर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड 16th फाइनेंस कमीशन विद अरविंद पनगड़िया एज द चेयरपर्सन। अरविंद पनगड़िया फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के, काफी समय से नीति आयोग के चेयरपर्सन रहे अरविंद पनगड़िया जी, स्टार्टिंग जब बना था नीति आयोग आपका। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, विल बी द चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। मिस्टर ऋत्विक रंजनम पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। सो सेक्रेटरी नेम एंड चेयरपर्सन नेम ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो मैंने बताया आपको, टैक्सेस का डिवीजन, विच टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हाउ मच एड ग्रांट इन एड फ्रॉम द रेवेन्यू विल बी शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार अपने टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, टैक्सेस तो स्टेट से ही आते हैं, तो टैक्सेस जो कलेक्ट हुए उसमें से कितना एड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड बाय देम। सो दिस 16th फाइनेंस कमीशन हैव टू सबमिट देयर रिपोर्ट और गिव देयर रिपोर्ट बाय 31st of October 2025, विच विल बी कवरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1st of April 2026 टिल 31। तो 26 से 31 तक का जो ड्यूरेशन होगा आपका, अप्रैल टू मार्च, वो पूरा ड्यूरेशन कवर करेगा आपका 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। 15th फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन वॉज मिस्टर एन के सिंह। सो 15th फाइनेंस कमीशन जो था इसके चेयरपर्सन थे मिस्टर एन के सिंह सर। आई होप द स्टेटमेंट्स आर क्लियर, पॉइंट सही है? यस, सौरभ ने लिख भी दिया, बहुत बढ़िया। तो 15th फाइनेंस कमीशन एन के सिंह थे, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हो गए आपके अरविंद पनगड़िया। एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जामिनेशन में, न्यूज नंबर 11 है आपका, ये 10 न्यूज ऑलरेडी कवर हो गए, अपॉइंटमेंट पर है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर अपॉइंटेड एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। सो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अभी एक्स ऑफिशियो चांसलर अपॉइंट हुए, मतलब देखो पोजीशन फिक्स होती है दैट हु विल बी द वाइस प्रेसिडेंट, दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड ऑन दिस पोजीशन। सो द अपॉइंटमेंट केम एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द स्टेटस 1 ऑफ द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1985। द यूनिवर्सिटी वॉज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1985, नाउ इट वॉज अनाउंस्ड एज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो उसके चांसलर होते हैं। सो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज द एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। न्यूज नंबर 12 है, दीपिका पादुकोण अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुंडई मोटर्स। हुंडई साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है, जो कार आप लोगों की ड्रीम कार हो सकती है, क्रेटा है, वेन्यू है, व्हाटएवर इट इज, दैट कार्स बिलोंग्स टू द सेम कंपनी एक्चुअली, हुंडई मोटर्स। तो साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है, 1967 में फॉर्म हुआ था। दीपिका पादुकोण को अभी रिसेंटली इन्होंने क्या अपॉइंट किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट द सेल्स ऑफ कार ऑफ हुंडई मोटर्स इन इंडिया।
ट्वेल्थ नंबर का न्यूज अभी मूव करेंगे नेशनल इंटरनेशनल स्टडी न्यूज कैटेगरी में. न्यूज नंबर 13 है रिलेटेड टू ए स्कीम. स्कीम का नाम है आपका रिमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट. सो ऑल द प्रोडक्ट विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, वॉट एवर द टैक्सेस और फीस इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल बॉडी, All these taxes will be returned back, remit back, वापस कर दिए जाते हैं to promote the exports of India. This scheme is called remission of duties taxes on the exported products. I hope the statement is clear. तो export को promote करने के लिए जो भी taxes, जो भी fees imposed हो रही है उनको exporters को return करने वाली scheme है. This scheme has been extended. The scheme was implemented till 30th of September 2023. Now it has been extended till 30th of June 2024. Again, Government of India said we are planning to extend it further. अभी कहा है कि हम इसको और आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं. As of now, it is implemented till 30th of June 2024. तो पहले तो आपको डेट पकड़ लेना है कि 30th of June 2024 तक इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. इसको और आगे बढ़ाने की बात गवर्नमेंट ने कही है. स्कीम मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, 1st जन 2021 एंड 15,070 करोड़ वाज़ द बजट एलोकेशन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट डेटा व्हाट एवर रिक्वायर्ड रिलेटेड टू योर न्यूज वी हैव कवर्ड. तो सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ना है इसका, फिर स्कीम एक्सटेंड कब हुआ या इंप्लीमेंट कब हुआ. तो जनवरी 21 में इंप्लीमेंट हुआ है, जून 24 तक के लिए इसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया है एंड बजट एलोकेशन था 15,070 करोड़ रुपए. दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. न्यूज नंबर 14 है आपका नेशनल न्यूज कैटेगरी से. सही चल रहा है, स्पीड ठीक है, जाग रहे हैं सारे लोग, यस और नो एक बार लाइव चैट में एक्टिव थोड़ा सा प्लीज एवरीवन. सो 14th नंबर का न्यूज आ गया आपका, इंडिया स्टील सेक्टर shows the remarkable growth in the last year. पिछले साल में, एक साल में काफी बढ़िया ग्रोथ शो किया है. इंडिया emerged as the second largest global producer of steel in the world after China. China के बाद China is the largest producer of steel in the world. So India became the second largest steel producer. Domestic finished steel, not crude steel, domestic finished steel was around 89.7 million ton, which was 14.3% higher compared to the last year, same duration last year. The domestic steel consumption was 87 million ton. देखो 89 million तो हमने produce किया, 87 million हमने consume कर लिया. अराउंड 2 मिलियन हमारे पास बचा है फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट नॉट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. प्रोड्यूसर तो है सबसे बड़ा पर एक्सपोर्टर नहीं है. रीजन आर ओन कंजम्पशन इज वेरी हाई. क्रूड स्टील की बात करें, सो 94 मिलियन टन वॉज द क्रूड स्टील प्रोडक्शन, दैट वॉज इंक्रीज बाय 14.7%. तो 14.7% से इंक्रीज हुआ है यहां पर आपका स्टील प्रोडक्शन. सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर रहा है. यह था आपका न्यूज नंबर 14. 15th नंबर के न्यूज पर मूव करते हैं. ऑलरेडी 14 न्यूज हो चुके हैं कंप्लीट. कैबिनेट अप्रूव द प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 5,500 करोड़ रुपी फॉर बिहार एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. सो कैबिनेट कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिवन द अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इन बिहार एंड वाइडन द रोड इन त्रिपुरा एंटाइटल्ड अराउंड 5,500 करोड़ रुपए. तो 5,500 करोड़ रुपए के अप्रूवल आए भी बिहार के लिए ब्रिज बनाने के लिए और त्रिपुरा में रोड को ब्रॉड बनाने के लिए ये अप्रूवल है भी रिसेंटली. सो कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑल्सो अप्रूव 2,400 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट फॉर द इंप्रूवमेंट एंड वाइडन ऑफ स्टेट हाईवे इन त्रिपुरा. तो स्टेट हाईवे त्रिपुरा के लिए 2,448 करोड़ रुपए फॉर वाइडन द प्रोजेक्ट. तो ये और 3,000 करोड़ फॉर बिहार, 2,400 फॉर त्रिपुरा. ओवरऑल 5,500 करोड़ रुपए के रिसेंट अप्रूवर्स आए हैं. ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम इज
Desert Cyclone 2024 was conducted between which countries? Same country, India and UAE. Answer batana. UAE recently announced to invest in the food park in India. 2 billion from which state? Answer bataiye. 2 billion ka investment announce kiya hai food park industry mein India mein. Kis state se start kar rahe apna investment? UAE ka announcement hai. Second news par aa jata hun, ye wale news par. 15 हो गया था, 16th नंबर का न्यूज है. काउंटिंग याद रहेगा तो एट एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने इतने टाइम में कितने न्यूज कवर किए हैं. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 24 बिटवीन इंडिया एंड यूएई टू बी हेल्ड वेयर इन राजस्थान. राजस्थान में कंडक्ट हुआ है, होना है 2nd of January से 15th of January. आज से स्टार्ट हो रहा है राजस्थान में. सो फ्रॉम टूडे दे विल बी डूइंग दिस डिफेंस एक्सरसाइज दैट विल बी कॉल्ड डेजर्ट साइक्लोन 24 to enhance the operational ability and learning, sharing the best practice in the urban operations between India and UAE. तो ये first time हुआ था September 2008 से, तब से हम इसको conduct कर रहे हैं. And Desert Cyclone 2024 is the name. ठीक है, point यहाँ तक clear. Gujarat correct answer है. देखो, एक point समझिए, please leave this एक habit होती है कि आंसर पता है और लिख नहीं रहे. इट हेल्प्स योर ब्रेन टू रिमाइंड दैट आंसर, रिमेंबर दैट आंसर प्रॉपरली. थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव रहने की कोशिश किया करो. जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, आपको आंसर पता है तो रिप्लाई करो, नहीं पता है तो याद करो कि हाँ आंसर गुजरात है. 2 billion का इन्वेस्टमेंट यूएई ने अनाउंस किया है, कहां से? गुजरात से. अभी हमने डिस्कस किया है न्यूज. सो आई विश दैट ऑल ऑफ यू हैव कवर्ड दैट पॉइंट जस्ट 10 minutes बिफोर, तो आपको याद होगा आंसर. ट्राई किया करो लिखने का. 17th नंबर का न्यूज है, इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड पॉलीमीटर सैटेलाइट अबॉर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, दैट इज फ्रॉम द पीएसएलवी, पॉलीमीटर सैटेलाइट को भी रिसेंटली लॉन्च किया है. इंडिया फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू द साइंटिफिक एंडेवर टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ द कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम द सेलेंटियल सोर्सेज. कुल मिलाकर कहें एक पॉइंट में, सो इंडिया बिकेम द सेकेंड नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए. स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन्स इन आर गैलेक्सी. तो दूसरा देश बन गया है इंडिया आफ्टर यूएसए, जहां पर हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं. और साइंटिस्ट विल स्टार्ट द स्टडी ऑफ ब्लैक होल, न्यूट्रॉन्स स्टार इन आर गैलेक्सी विद द सपोर्ट ऑफ अ सैटेलाइट, जिसको नाम दिया गया पॉलीमीटर सैटेलाइट. ठीक है, सो पोलरीमीटर सैटेलाइट. सो पोलरीमीटर सैटेलाइट जो है आपका, इसको अभी रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है. द पर्पस इज रिसर्च रिगार्डिंग द ब्लैक होल स्टडी एंड न्यूट्रॉन स्टार्स और सैटेलाइट, जो जो आपके नेचुरल सैटेलाइट है स्टार्स. सागर परिक्रमा फेज 10 नंबर 18 सागर परिक्रमा फेज 10. सो इट इज नॉट अ डिफेंस एक्सरसाइज. सागर परिक्रमा, it is a campaign run by government of India under the ministry of fisheries to make the people related to the fisheries aware about the schemes launched by government of India for their benefit. bharat sarkar dwara launch ki gayi jo benefit wali ya welfare schemes hain, aise log jinka economy fisheries ke upar depend hai, unko aware banane ke liye jo campaign run karti hai government of India, uska naam hai sagar parikrama. फेज 10 मतलब 9 फेजेस ऑलरेडी हो गए. दिस इज द फेज 10. सो फेज 10 स्टार्टेड फ्रॉम 1st of January 24 टिल 6th of January 24 एट द वेरियस लोकेशन इन आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी. सो एपी एंड पुडुचेरी में उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा वॉज स्टार्टेड इन गुजरात ऑन 5th of March 2022. आफ्टर दैट 9 फेजेस हैव बीन डन ऑलरेडी. 9 फेजेस आपके हो गए हैं इन गुजरात, दमन, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अंडमान, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अपार्ट फ्रॉम दैट नेल्लूर आंध्र प्रदेश. सो नाउ पुडुचेरी एंड सम पार्ट ऑफ नेल्लूर आंध्र प्रदेश विल बी कवर्ड इन द फेज 10. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फिशरीज सेक्टर स्कीम प्रोग्राम, promoting the responsible fisheries
and maintain the sustainable balance, protect the marine environment as well. ठीक है, protecting the marine environment. तो इस बार इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में. फेज 10 है ये. फेज 1 स्टार्ट हुआ था गुजरात से. फेज 10 इज राइट नाउ इन द प्रोसेस. पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? ऐप पर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है. मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप किस क्लास का डाउनलोड कर रहे हैं, क्या इश्यू आ रहा है. आई विल चेक इट, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो ओवर द टेलीग्राम, डोंट वरी. ठीक है, मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा. आगे आ जाइए, न्यूज नंबर 19 है. एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रजिस्टर्ड हाई नंबर ऑफ केसेस इन द ईयर 2023. सो 94.7% के कन्वेक्शन रेट देखने के लिए मिले एनआईए के केसेस में. 94.7% मतलब जितने भी केसेस उन्होंने रजिस्टर किए, 94.7% केसेस में देखा गया कि एवरीथिंग वॉज कंप्लीटली फाइन और इनके FIR एक्सेप्ट किए गए फ्रॉम द कोर्ट साइड. द अटेस्ट एसेट वर्थ अराउंड 56 करोड़ रुपए ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपेयर टू 490 अरेस्ट केसेस इन 2022. द अरेस्ट मेड बाय एनआईए वॉज 625, दैट इज 28% एक्स्ट्रा कंपेयर टू द लास्ट ईयर. तो 22 के कंपेरिजन में 23 में ज्यादा अरेस्ट हुए हैं, ज्यादा कन्वेक्शन रेट रहा है. 94.7% का कन्वेक्शन रेट रहा. 56 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टीज अटैच किए एनआईए ने. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छोटे मोटे केसेस नहीं करता है. जो केसेस होते हैं फॉर द नेशनल सिक्योरिटी लेवल, दैट केसेस आर मैनेज्ड बाय एनआईए. सो एनआईए के चीफ है मिस्टर दिनकर गुप्ता. 2008 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर. सो न्यूज नंबर 20th पर आ गए. इंडिया is that 15th spot in AI nation in the form of artificial intelligence nation or growth of artificial intelligence. But the nation India have greatest upward potential. So this is the data recently shared by TUFETS University of Business School. So ek university or business school इन्होंने अभी report issue किया. In that USA, China, UK, Japan, Germany, these are the top 5 nations in the field of artificial intelligence adoption. USA top par hai, China second number par. India ka rank hai 15th, but India have high potential to grow. Ek report aaya bas usme rank India ka kaha gaya 15th in the field of artificial intelligence, top par hai US China. Bas itna bhi yaad rakhoge to bhi exam mein answer ban jayega. News number 21. ID Madras developed 3D printed faces for black fungus survivors. So researchers from the prestigious IIT Madras has developed 3D printed faces implement for the people suffering from the black fungus. ऐसे लोग जो black fungus से suffer कर रहे हैं उनके लिए 3D printed face implant करने की technology अभी recently develop करी है किसने? IIT Madras ने. So the black fungus disease was increased after the COVID-19 pandemic. आप लोग अगर गूगल पर देखो कि बहुत ही डेंजरस डिसीज है एक तरीके से ब्लैक फंगस. एंड फ्रॉम दे आर मेकिंग इट एट द चीपर कॉस्ट ऑल्सो. सो द पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन कैन ऑल्सो एफोर्ड इट. सो ब्लैक फंगस विच वॉज फाउंड इन द पेशेंट हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव ड्यूरिंग द COVID-19 those who have HIV, उन लोगों के अंदर ब्लैक फंगस डिसीज देखा गया. अभी इन्होंने 3D प्रिंटेड फेसेस और फेस मास्क टाइप आप बोल सकते हो अभी इम्प्लांट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप किया आईडी मद्रास ने. ठीक है, न्यूज नंबर 22. वुमेन अकाउंटेड अप्रोक्सीमेटली 49% आयुष्मान कार्ड क्रिएटेड. आयुष्मान भारत योजना अंडर विच अप टू 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये सबको पता है कि 5 लाख रुपए तक का एक फैमिली को पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड होता है. हॉस्पिटलाइजेशन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द कार्ड कैशलेस. वुमेन अकाउंटेड 49% ऑफ टोटल आयुष्मान कार्ड क्रिएटेड एंड अप्रोक्सीमेटली 48% टोटल ऑथराइज हॉस्पिटल एडमिशंस नोटेड द रिलीज डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. तो 49% जो आपके कार्ड है उसमें से मतलब 100% में से 49% कार्ड जो है वो वुमेन के पास है आयुष्मान भारत योजना में उनके नाम पर है. करेंटली
एज पर द गवर्नमेंट 55 करोड़ इंडिविजुअल करस्पॉन्डिंग 12 करोड़ फैमिलीज अंडर दिस स्कीम, तो 12 करोड़ परिवार में लगभग 55 करोड़ लोग जो हैं वो इस फैमिली जो इस स्कीम है उसके अंदर बेनिफिट ले रहे हैं। एज ऑफ 20th of December 2023 28.5 करोड़ कार्ड हैव बीन क्रिएटेड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम। तो इसमें जो कार्ड्स हैं वो 28 करोड़ कार्ड्स इसमें क्रिएट किए गए हैं एंड 9.38 करोड़ कार्ड क्रिएटेड ओनली इन 2023। एक साल में 9.38 करोड़ कार्ड क्रिएट हुए, 49% फीमेल्स के पास ये कार्ड, ठीक है। न्यूज नंबर 23, बस दो तीन न्यूज और हैं, डेटा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। जाग रहे हैं सारे लोग, ज्यादा तो नहीं हो रहे न्यूज आज के लिए, बस एक दो और है, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा, कोपरा समझते हैं सारे लोग, नारियल, कोकोनट, राइट। सो कोपरा इन टू डिफरेंट कैटेगरी, कोपरा विद द आउटर शेल, कोपरा विद द आउटर शेल दैट इज कॉल्ड मिलिंग कोपरा। सो एमएसपी फॉर एवरेज क्वालिटी ऑफ द मिलिंग कोपरा हैव बीन फिक्स्ड एट 11,160 रुपीज पर क्विंटल। एंड बॉल कोपरा, वो आउटर शेल निकालकर जो बॉल निकलता है उसके अंदर कोपरा का, सो बॉल कोपरा 12,000 रुपी पर क्विंटल फॉर द सीजन 2024। सो एमएसपी फॉर द सीजन 2024 300 रुपी पर क्विंटल इंक्रीमेंट इन मिलिंग कोपरा एंड 250 रुपी पर क्विंटल इंक्रीमेंट इन द बॉल कोपरा कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। लास्ट 10 ईयर्स का डेटा दिया है इन्होंने, बट दैट विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन। सो पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू विल बी इनफ कि मिलिंग कोपरा बॉल कोपरा में जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। 11,160 है मिलिंग कोपरा का प्राइस पर क्विंटल, 12,000 रुपी पर क्विंटल फॉर बॉल कोपरा, 300 रुपी एंड 250 रुपी इज द इंक्रीमेंट रिस्पेक्टिवली। न्यूज नंबर 24, आसाम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड प्रोटॉक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम एमओयू फॉर द सेटलमेंट। So ULFA born during the entry foreigner movement in 1979 demanding the sovereign state of Assam people after several Bengali speaking people crossed over the post in 1979 from Bangladesh Assam mein enter kar gaye the. So during the Bangladesh liberation war, so Assam the people the localite from Assam they demanded that we need a separate state for Assam people, the people from Assam, otherwise we will lose our linguistic importance within the state. That was their demand in the year 1979. Now this organization that is called ULFA signed MOU with the government of India for maintaining the peace within the state. तो शांति बहाल करने के लिए और बनाए रखने के लिए राज्य के अंदर यूएलएफए ने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम द आसाम। सिमिलरली समथिंग कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मणिपुर एज वेल। न्यूज नंबर 25, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन बनाएगा आपका स्टैटिक जीके के फॉर्म में, याद रखना ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन बनेगा आपका। सो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। अच्छा, अयोध्या रेलवे स्टेशन नेम आल्सो रीनेम्ड फ्रॉम अयोध्या जंक्शन, व्हाट इज द न्यू नेम नाउ, नया नाम बताइए अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। सो फेज वन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट हैव बीन डेवलप्ड विद द कॉस्ट ऑफ 1450 करोड़ रुपी। नया जो आपका रेलवे स्टेशन है वो बन गया, एयरपोर्ट नया डेवलप हो गया फॉर द अयोध्या। सो अयोध्या का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको नाम दिया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1450 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर से इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। न्यूज नंबर 26, हाँ भाई अयोध्या धाम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सर ऐप पर मंथली बोल्ड करंट अफेयर्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूं, डोंट वरी, मैंने आपको पहले भी बोला है डोंट वरी, मैं चेक कर लूंगा। यू कैन गेट इट फ्रॉम द पीडीएफ, द सेम पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम एज वेल। मैं जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप शांति से जाकर जीए जीनियस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए,
ठीक है, फ्री है कंप्लीटली, तो इसको ज्वाइन कर लें, यू विल गेट द पीडीएफ देयर। ओके, आगे आ जाओ। गुजरात क्लेम द टाइटल ऑफ इंडियाज पेट्रो कैपिटल इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी एरिया। द लार्जेस्ट वेन्यू फॉर द पेट्रोल रिफाइनरी इन द ईयर 2023 वॉज गुजरात। गुजरात इमर्ज्ड एज द नेशनल पेट्रोकेमिकल पावर हाउस, बूस्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी एंड स्टेट ऑफ आर्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। सो गुजरात जामनगर रिफाइनरी एंड ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड पेट्रोकेमिकल इन दहेज। सो 1.4 मिलियन बैरल पर डे इन्होंने रिफाइन किया है, बिकेम द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। सिंपल स्टैटिक जीके क्वेश्चन यहां से भी निकलेगा आपका, दैट विच सिटी इज नोन एज द पेट्रो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। पेट्रो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, मुंबई पहला ऑप्शन होगा, कोची होगा, आंसर विल बी और स्टेट पूछेगा, सॉरी नॉट सिटी। सो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। अगर सिटी पूछता है देन योर आंसर विल बी जामनगर। लास्ट न्यूज है आपका न्यूज नंबर 27 एंड दिस इज द लास्ट न्यूज फॉर द डे। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डेविड वॉर्नर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई। टू टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप विनर है, प्रीवियसली ही हैज अनाउंस्ड ही वुड बी एंडिंग हिज टेस्ट क्रिकेट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया बिकमिंग द टेस्ट अगेन पाकिस्तान इन सिडनी। वॉर्नर सिक्स्थ हाईएस्ट स्कोरर इन ओडीआई फॉर्मेट, नाउ ही हैव अनाउंस्ड द रिटायरमेंट डेविड वॉर्नर। तो जो क्रिकेट फैन है उनको काफी अच्छे से ये वाले न्यूज पता होंगे। तो न्यूज थे टोटल आपके पास आज 27। होमवर्क रिज्यूम कर रहा हूं आज से, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स टुडे। रिसेंटली वी हैव सीन द अपडेशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्मॉल सेविंग स्कीम। बेस्ड ऑन दैट वी कैन रिवाइज ऑल द स्मॉल सेविंग स्कीम विद देयर मेच्योरिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ किसान विकास पत्र, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपीएफ, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सुकन्या समृद्धि, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर सीनियर सिटीजन। ऑल्सो टेल मी दैट व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ दिस स्कीम। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट भी एक बार आप इसका करिएगा, बाकी डिटेल हम कल देखेंगे होमवर्क चेक में। पर्सनलाइज इंटरव्यू बैच फॉर आईबीपीएस पीओ इज लाइव। अब आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है बाय टुडे टुमारो, सारी चीजें हो चुकी है, अब आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। कोड आदित्य यू कैन यूज टू अवेल 45% फ्लैट डिस्काउंट ओवर द बैच। तो 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको बैच के ऊपर। इफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर आरआरबी पीओ इंटरव्यू बैच एंड नाउ कमिंग फॉर आईबीपीएस पीओ, बाय यूजिंग द कोड आदित्य यू विल बी एबल टू अवेल 50% डिस्काउंट। तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने आरआरबी का बैच लिया था और अब आईबीपीएस के बैच में एनरोल करना चाहते हैं। ठीक है, नोएडा एंड बेंगलुरु विल बी द ऑफलाइन इंटरव्यू बैचेस, एवरीवेयर यू विल बी एबल टू यूज द 50% फ्लैट डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड आदित्य। सिमिलरली 45% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल ऑन एसबीआई पीओ इंटरव्यू बैच। दिस बैच विल इंक्लूड ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब आपका इंक्लूडेड होगा बैच में। PDF of this session will be available in GA Genius Telegram group. Join the group. You can connect with me for any doubt, any confusion, any conversation you want to do with me. नहीं निकला एग्जाम, टेंशन है, मुझसे बात कर लो, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर पाऊं, कुछ मोटिवेट कर पाऊं। इफ यू फील दैट द सेशन वॉज वर्थ वॉचिंग, प्लीज लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल बी मीटिंग यू बैक इन द नेक्स्ट सेशन सून। टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ओनली गुड गाइस। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।